हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 1857 का विद्रोह। यह जो पूरा वीडियो है यह 12th क्लास के जो 11वां चैप्टर है उसमें लिखा गया है, और 11वें चैप्टर में इसका नाम दिया गया विद्रोह और राज। तो पूरी तरह से हम लोग समझेंगे कि ये विद्रोह और राज में जो 1857 की क्रांति हुई थी वो क्या था और इसके क्या कारण थे, क्या परिणाम निकले, और निष्कर्ष पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो अलग अलग तरह का सवाल, जैसे 1857 में क्या हुआ था, या 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे, 1857 के विद्रोह के बाद मुख्य क्या परिणाम आए, और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, जैसे कि 1857 का जो क्रांति है वो कब हुआ और कहां कहां पर हुआ, इसमें जो इसका दमन क्या था, अंग्रेजों, बहुत सारे ऐसे अंग्रेज थे जिन्होंने मिल करके इस पूरे विद्रोह का दमन कर दिया था, तो 1857 के विद्रोह का दमन करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे, ये सारी चीजें हम आपको क्या करेंगे इस पूरे वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और मेरा नाम मजीद कुमार है, मैं ये पूरा वीडियो लेकर आप सबों के लिए आया हूं। और किसी भी प्रकार के मुझसे पर्सनल सवाल करने के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड सवाल के लिए आप वीडियो में जरूर कमेंट कीजिएगा। 1857 का जो क्रांति था इसे हम 1857 का भारतीय विद्रोह भी कहते हैं। यह जो पूरा विद्रोह था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी के शासन के खिलाफ हुआ था, बहुत ही बड़ा था, व्यापक था, लेकिन ये पूरी तरह से असफल रहा था, इसीलिए हम इसे असफल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। परंतु जिस ब्रिटिश राज की ओर से, यानी ये कह सकते हैं इस पूरे विद्रोह को ब्रिटिश राज, ब्रिटिश सत्ता के तरफ से पूरी एक शक्ति के साथ, संप्रभु शक्ति के साथ, यानी पूरी शक्ति के साथ कार्य किया गया और इस विद्रोह को असफल कर दिया गया। लेकिन यही वो क्रांति था जिसने हमारी स्वतंत्रता की बीज बोई और आज हम स्वतंत्र हैं, और इन्हीं कारणों की वजह से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना और स्वतंत्रता की भावना जग गई थी। 1857 की जो क्रांति है इसे कैसे परिभाषित करेंगे, अगर सवाल आएगा कि 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति क्या है, तो देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि ये विद्रोह क्या होता है और क्रांति क्या होता है। तो कभी कभी किताब में 1857 का विद्रोह या फिर क्रांति भी लिखा हुआ रहता है। तो जब कोई विद्रोह होता है और उसके बाद बहुत सारे परिवर्तन होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, क्रांति कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा विद्रोह हुआ, यानी कि सेना ने विद्रोह किया, विरोध किया और बोला कि हम क्या करेंगे, बंदूक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत सारे क्षेत्रों में लोगों ने विद्रोह किया और पूरी तरह से विरोध किया गया, लेकिन धीरे धीरे इन विद्रोह के बाद हिंसक झड़प हुई और उन झड़प के बाद जो है बहुत सारे परिवर्तन हुए, इसलिए हम इसे 1857 की क्रांति भी कहते हैं। तो इस जो 1857 की क्रांति ये क्या है, तो बोलेंगे कि यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। आगे लिखेंगे कि यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जनता की भागीदारी इसमें बढ़ती चली गई और इसने जनता की पूरी तरह से भागीदारी क्या कर ली, हासिल कर ली, और बाद में ये एक पूरी तरह से व्यापक जो है रूप ले लिया, यानी देश के सभी नागरिक जुड़ते चले गए। इस विद्रोह का आगे बहुत सारे नाम जो है रखा गया है, यानी अलग अलग नामों से इसे बुलाया जाता है। चूंकि पहली बार इसमें केवल और केवल सिपाहियों ने विद्रोह में भाग लिए थे, इसीलिए हम इसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। और ये कौन कहते हैं, ब्रिटिश के जो इतिहासकार हैं वो इसे सिपाही विद्रोह ही कहते हैं। भारत में पहला विद्रोह था इसलिए भारतीय विद्रोह कहते हैं, और ये बहुत ही बड़ा था इसलिए हम इसे महान विद्रोह भी कहते हैं। महान विद्रोह इसलिए कहते हैं क्योंकि 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने भारत को जीतना शुरू किया और 1857 मना हम लोग को 100 साल लग गया इस पूरे विद्रोह का बदला लेने में, या हम अंग्रेजों को भगाने के प्रयास भी हमें 100 साल लग गए, इसलिए एक बहुत ही महान माना जाता है और भारतीय इतिहासकार इसे महान विद्रोह के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं आपको 1857 का विद्रोह लिखा हुआ रहेगा या फिर 1857 की क्रांति, तो 1857 के विद्रोह को ही 1857 की क्रांति कहते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता का पहला युद्ध, यही वो पहला युद्ध था जिसे, यही वो युद्ध था जिससे पहली बार हमने क्या किया था, स्वतंत्रता के लिए जो है आवाज उठाया था। लेकिन ऐसे इससे भी पहले उड़ीसा के आसपास छोटे मोटे जो है विरोध हुए थे और कई इतिहासकार मानते हैं कि वो सबसे पहला विद्रोह था। और ये जो विनायक दामोदर सावरकर है, इनका मानना है कि यही 1857 की क्रांति, यही जो है स्वतंत्रता का पहला युद्ध माना जाता है।
क्योंकि 1857 का विद्रोह ही पूरे बड़े क्षेत्र में हुआ था, बाकी जो था किसी छोटे क्षेत्र में ही सीमित रह गया था। अब कोई भी जब विद्रोह होता है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है, तो आइए देखते हैं ये जो विद्रोह है इसके राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और तात्कालिक कारण क्या क्या थे। तो सारे इंपॉर्टेंट से एक एक करके कवर अप करते हैं। सबसे पहला है राजनीतिक कारण, यानी 1857 जो क्रांति हुई उसके राजनीतिक कारण क्या थे। उस समय गवर्नर हुआ करता था, गवर्नर जनरल कहते थे उसे, यानी कि उनका ही शासन था और वही जनरल व्यवस्था चल रही थी। तो राजनीतिक कारण में वही आएगा, उन्होंने अलग अलग नीति नियम कानून लगाए और लोगों ने उनका क्या किया, विरोध किया। अंग्रेज उस समय जो सबसे ज्यादा नीति अपनाते थे उसका नाम था अंग्रेजों की विस्तारवाद नीति, यानी कि क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, विस्तार करना, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिलाना, या आप ऐसे समझिए हड़प कर लेना, हड़पना, ये नीति क्या कर रहे थे उस समय, अपना रहे थे। तो 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण है अंग्रेजों की विस्तारवाद नीति, और एक बहुत ही बड़ा सिद्धांत है, इसको कहते हैं व्यपगत का सिद्धांत। तो ये क्या है, एक व्यपगत का सिद्धांत को हम लोग हड़प नीति भी कहते हैं, क्योंकि इस नीति के तहत बहुत सारे क्षेत्रों को हड़पा जा रहा था, इसलिए इसे कहते हैं हड़प नीति। तो जमीन वगैरह जो है उसे हड़पना यानी अपने कब्जे में करना क्या कहलाता है, हड़प कहलाता है। यहाँ पर वही लिखा है कि बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में जो भारतीय शासक थे, यानी कि भारत में जो शासन कर रहे थे, भारत के जो राजा थे या भारत के जो प्रमुख व्यक्ति थे, उनको क्या कर दिया जा रहा था, हटा दिया जा रहा था। और वहां पर कौन लाया जा रहा था, वहां पर जो है ब्रिटिश सत्ता आ रही थी, जिससे अन्य सत्ता रूढ़ परिवार के मन में क्या हो गया था, भय पैदा हो गया था, बाकी जो सत्ता में बैठे लोग थे उनको डर लगने लगा था। जैसे यहाँ पर देखिए जो रानी लक्ष्मीबाई है, ये कहाँ के शासन में थे, ये झांसी के सिंहासन पर बैठ जो है इनका शासन था, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र नहीं थे, इनके पुत्र का जो है 4 महीने के बाद ही मृत्यु हो गया था, देहांत हो गया था। तो इन्होंने एक दत्तक पुत्र जो है अपना लिया था। दत्तक पुत्र क्या होता है आगे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। दत्तक पुत्र को अपना लिया था और जो अंग्रेज है उन्होंने बोला कि दत्तक पुत्र को हम सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं देंगे। दत्तक पुत्र गोद लिया हुआ पुत्र होता है, तो सिंहासन पर बैठने की अनुमति क्या करेंगे, नहीं देंगे। डलहौजी ने अपने व्यपगत सिद्धांत या इसे हम कहते हैं हड़प नीति, इसका पालन किया, किसने किया था, डलहौजी, ओके, का पालन करते हुए डलहौजी ने पहली बार इसका पालन किया और सतारा, नागपुर, झांसी जैसे बड़े बड़े जो रियासतें थे उनको क्या कर लिया था, अपने अधिकार में लिया, बोला कि किसी न किसी कारणवश उनको हटा दिया गया और वहां के शासक को क्या कर लिया, मिला लिया गया ब्रिटिश सत्ता में। जेतपुर की बात करें, सबलपुर की बात करें या उदयपुर, इन सब को क्या कर लिया गया था, हड़प लिया गया था, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। तो अगर आप किसी की संपत्ति को हड़प लेते हैं तो उनके अंदर क्या आएगा, उनके अंदर द्वेष आएगा, गुस्सा आएगा आपसे लड़ने के लिए। तो ये राजनीतिक कारण धीरे धीरे बनता चला गया। देखिए लॉर्ड डलहौजी जो भी जा सकते हैं अवैध संपत्ति लाते थे उसे ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर लिया जाता था, मिला लिया जाता था, जिससे बहुत बड़े वर्ग जिसमें अभिजात वर्ग आते थे, अभिजात वर्ग के हजारों लोग जो उसमें अधिकारी थे, यानी कि मान लेते हैं कि कोई राजा है तो राजा के परिवार में मंत्री या और भी बहुत सारे अधिकारी होंगे, अनुचर होंगे, सैनिक होंगे, ये सारे क्या हो गए, बेरोजगार हो गए और इनमें क्या होगा, असंतोष हो जाएगा। तो इस कार्रवाई ने एक वफादार राज्य अवध को असंतोष और षड्यंत्र अड्डे के रूप में क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। एक अवध जो क्षेत्र था उसमें लोगों को असंतोष होने लगा, असंतोष का मतलब लोगों को जो ब्रिटिश राज है बिल्कुल पसंद नहीं आने लगा और वहां पर लोग षड्यंत्र रचने लगे। षड्यंत्र का मतलब होता है दूसरे के खिलाफ एक ऐसी व्यवस्था जो है सोचना जिससे उसको क्षति हो, क्षति पहुंचाने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। अवध जो है इसका अड्डा बन गया। तो ये पहला जो कारण है जिसे हम राजनीतिक कारण कहते हैं। अब पहले रानी लक्ष्मीबाई जब आ गया तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि जो भी हमारे सामने यहाँ पर आएंगे प्रमुख जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में बताना अच्छी बात होती है। तो रानी लक्ष्मीबाई के विषय में 10 लाइन। रानी लक्ष्मीबाई जिन्हें हम झांसी की रानी कहकर भी बुलाते हैं। दूसरा, रानी लक्ष्मीबाई का जो असली नाम है मणिकर्णिका था और सभी उन्हें प्यार से मनु कहते थे। तीसरा, जो लक्ष्मीबाई का जन्म है वह 19 नवंबर 1835 में काशी नगरी में एक मराठा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। काशी का है वाराणसी में जो उत्तर प्रदेश में मौजूद है, तो उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई के पिताजी का नाम मोरोपंत तांबे और माताजी का नाम भागीरथी बाई था।
गया है कि रानी लक्ष्मीबाई के जो बचपन से ही वो युद्ध कला में बहुत ज्यादा निपुण थी, यानी उन्हें बहुत युद्ध आता था, उन्हें घुड़सवारी आता था, तलवारबाजी आता था, तीर अंदाजी यानी तीर चलाने भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से ये सीख रखे थे। जो लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा, इनका नाम है गंगाधर राव, ओके, झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, जिसके उपरांत उन्हें झांसी की रानी कहा जाने लगा। तो झांसी क्या है, एक जगह का नाम झांसी, और उनके राजा का नाम है गंगाधर राव, और इसीलिए इन्हें कहा जाता है झांसी की रानी। आगे की रानी लक्ष्मीबाई और राजा गंगाधर राव का एक पुत्र हुआ था, लेकिन पुत्र का निधन 4 महीने बाद ही हो गया था। यानी रानी लक्ष्मीबाई का एक पुत्र हुआ था, लेकिन किसी कारणवश उनका निधन हो गया। झांसी के राजा गंगाधर अपने पुत्र का निधन बर्दाश्त नहीं कर पाए और 2 साल बाद 21 नवंबर 1853 को उनका भी निधन हो गया। रानी लक्ष्मीबाई ने पति की मृत्यु के पश्चात झांसी की बगडोर अपने हाथों में ले ली थी, और रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य को अंग्रेज से बचाते हुए, अंग्रेजों से लड़ते हुए 23 साल की उम्र में वीरांगति या वीरगति प्राप्त की, लेकिन झांसी राज्य को अंग्रेजों को नहीं सौंपा। यानी कि बहुत लड़े इन्होंने, कह सकते हैं कि बहुत कोशिश किया बचाने के लिए अंग्रेज से, लेकिन अंग्रेजों ने क्या कहा, इनको ही जो है वीर गति को प्राप्त कर दिया, और इसीलिए अंग्रेज ने बाद में इनकी मृत्यु के बाद, तभी जब ये शहीद हुए तब जा करके क्या हुआ, ये उनको ले पाए, जब तक ये जीवित रहे तब तक उनको नहीं लेने दिया। रानी लक्ष्मीबाई का निधन अंग्रेजों से लड़ते हुए 18 जून 1858 को हुआ था। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 4 महीने के बाद जो उनका पुत्र है उनका क्या हो गया था, जो निधन हो गया था, तो इन्होंने क्या किया था, एक पुत्र को गोद लिया था, और गोद लिए हुए पुत्र को हम क्या कहते हैं, दत्तक पुत्र कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको वही आगे बताया कि दत्तक पुत्र क्या होता है, वह जो वास्तव में पुत्र ना हो पर पुत्र मान लिया गया हो, वैसे पुत्र को हम दत्तक पुत्र कहते हैं, या तो गोद लिया हुआ लड़का क्या कहलाता है, दत्तक पुत्र कहलाता है। तो इनके दत्तक पुत्र का नाम क्या था, उनका भी नाम था दामोदर राव। ओके, देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो ये इनका नाम मैं पढ़ देता हूँ, इनके जो कह सकते हैं झांसी के जो महाराजा थे, इनका नाम था गंगाधर राव, और इनके चचेरे जो कजन थे या चचेरे में जो आएंगे जो भाई था, इनका नाम था वासुदेव राव। ठीक है, वासुदेव राव, तो वासुदेव राव को, राव का एक पुत्र था जिनका नाम था आनंद राव, आनंद राव। तो आनंद राव जो ये लड़का है किनका है, ये वासुदेव का, और इसी के पुत्र को रानी लक्ष्मीबाई ने क्या कर लिया था, अपना पुत्र मान लिया था, तो ये क्या हो गया, इनका दत्तक पुत्र हो गया। और इस आनंद राव को ही, जो आनंद राव वासुदेव राव का जो पुत्र है आनंद राव, इसी का नाम बाद में बदलकर इन्होंने क्या रख दिया, दामोदर राव, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का जो अपना पुत्र जन्म लिया था उनका नाम क्या था, दामोदर राव था, इसलिए उन्होंने इसका नाम बदल दिया था। इसका एक कारण दिया जाता है कि अंग्रेजों से बचाने के लिए ही उन्होंने क्या कर दिया था, इनका नाम बदल दिया था। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई जो थे बहुत ज्यादा कह सकते हैं महान तरीके से लड़े थे, उन्होंने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ में बांध कर युद्ध मैदान में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह तो बता दिए थे झांसी स्टेट के महाराजा गंगाधर राव से 1842 में हुआ था। 1851 में उन्होंने पुत्र दामोदर राव को जन्म दिया था, लेकिन 4 महीने के बाद उनका निधन हुआ था, इसीलिए उन्होंने किसको गोद लिया था, दत्तक पुत्र को गोद लिया था। अब एक और चीज देखे थे वहां पर, व्यापगत का सिद्धांत, ये क्या होता है इसके विषय में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए वर्ष 1840 के दशक के अंत में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पहली बार व्यापगत का सिद्धांत नामक उल्लेखनीय ब्रिटिश तकनीक का समापन किया गया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, सॉरी सामना तकनीक का सामना किया था, समापन नहीं यहाँ पर सामना किया था, मतलब कि जो है इसे लाया था। तो किसने लाया, लॉर्ड डलहौजी ने, कब, 1840 के दशक में। इसमें अंग्रेजों द्वारा किसी भी शासक के निसंतान का मतलब जिसका पुत्र नहीं हो या फिर जिसमें संतान नहीं हो, और जैसे कि मान लो इसका मतलब कि उसका वंश खत्म हो गया, उसके आगे का कोई वंश ना हो, तो निसंतान होने पर जो अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था, यानी कि आप अपने उत्तराधिकारी को गोद नहीं ले सकते हैं, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ने लिया था। अतः शासक की मृत्यु होने के बाद सत्ता का क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। सत्ता का त्याग करने पर जो शासन है वह क्या कर लेता था, कब्जा कर लिया जाता था, और शासन कौन था, ब्रिटिश शासन था, वह क्या कर लेता था, कब्जा कर लेता था। यह एक तरह का हड़प नीति है। इन समस्याओं में ब्राह्मणों के बढ़ते असंतोष को भी शामिल किया गया था, जिसमें कई लोग राजस्व प्राप्ति के अधिकार से दूर
हो गए थे या अपने लाभ लाभप्रद पदों को खो चुके थे, जिन पदों से उन्हें लाभ मिलता था वह पद भी उनको नहीं मिला था। इस सिद्धांत को व्यापगत सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब एक बार उन क्षेत्रों को जैसे कि यह 17 नागपुर झांसी जिन रियासतों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था तो वो यहाँ पर ही मौजूद है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मेरठ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये झांसी है, इनके बगल में ग्वालियर है, कानपुर है, लखनऊ है, बरेली है, दिल्ली है, तो इन क्षेत्रों के आसपास ही वो सारे क्षेत्र आते थे। यहाँ पर देख सकते हैं ये 17 है, यहाँ पर 17 मौजूद है आप देख सकते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है वह बैरकपुर, ठीक है, आगे आपको नाम आएगा बैरकपुर, जो पश्चिम बंगाल में वर्तमान जो पश्चिम बंगाल राज्य है जिसकी राजधानी कोलकाता है उन्हीं के पास है और इसे हम बैरकपुर कहते हैं। तो आगे बैरकपुर छावनी का नाम आएगा तो इससे आपको पता चल जाएगा वो क्या चीज है। तो उम्मीद है आपको मैप में ये सारी चीजें दिख गया होगा। अब आइए देखते हैं अगला कारण, राजनीतिक कारण के बाद अगला जो कारण है उसे हम सामाजिक और धार्मिक कारण कहते हैं। तो कंपनी शासन के विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अमानुषिक मतलब जिस तरह से मनुष्य के साथ व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार नहीं करना अमानुषिक व्यवहार कहलाता है, वैसा व्यवहार शुरू प्रारंभ कर दिया वैसा करना। भारतीयों में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता के कारण आबादी का एक बड़ा वर्ग जो था बहुत ज्यादा चिंतित था, यानी पश्चिमी सभ्यता को अपनाया जा रहा था। जैसे कि हमारी जो सभ्यता है, जो भारत की अपनी सभ्यता है उसे छोड़ करके जिस तरह का यूरोप में कल्चर है, जैसे वहाँ पर क्या क्या सभ्यता है, जैसे वहाँ कपड़े पहनने का एक अलग तरीका है, जीन्स टाई शर्ट, ये सारी चीज़ें किसकी सभ्यता है, ये पश्चिमी सभ्यताएँ हैं। तो पश्चिमी सभ्यता को हमने क्या करना लगा, अपनाने लगे, यानी इंग्लैंड में जिस तरह के कपड़े पहने जा रहे हैं, जिस तौर तरीकों को अपनाया जा रहा है वो तौर तरीका हमने अपनाने लगे। इससे बहुत सारे लोग चिंता में आ गए कि हम अपनी संस्कृति सभ्यता को क्या करेंगे, भूल जाएंगे। अंग्रेजों के रहन सहन को अपना लिए, अंग्रेजों के व्यवहार और साथ ही साथ उद्योग आविष्कार, ये सारी चीजें भारत पर असर करने लगा। इनका असर जो है भारतीयों के सामाजिक मान्यताओं पर पड़ता था, क्योंकि जिस तरह का रहन सहन वो करते थे उसी तरह का रहन सहन व्यवहार वो सारी चीजें हम अपना रहे थे। औद्योगिक आविष्कार तो यहाँ पर था ही था। 1850 के एक अधिनियम द्वारा वंशानुक्रम के हिंदू कानून को बदल दिया गया, यानी कि जो हिंदू कानून हम फॉलो करते थे उस हिंदू कानून को बदल दिया गया। सती प्रथा और भी बहुत सारे ऐसे नियम कानून थे उसे पलट दिया गया, बोला कि ये सारे नियम कानून अब नहीं लागू किया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे समाज में, लेकिन उस समय जिस समय ये बदलाव किया जा रहा था उस समय भारतीय समाज बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी थी और उसके लिए ये सारी चीज़ें खराब लग रहा था। तो कुछ सामाजिक परिवर्तन में अच्छे काम भी किए थे, लेकिन यहाँ पर ये ईसाई धर्म अपना लेने वाली जो भारतीयों को पदोन्नति कर दी जाती थी ये लोगों को खराब लगने लगा। यानी कि अगर आप ईसाई धर्म को अपना लेते हैं तो आपको पदोन्नति, पदोन्नति का मतलब होता है प्रमोशन मिल जाएगा, जानते ही हैं जो प्रमोशन क्या होता है कि अब जिस रैंक पर हैं उस रैंक से आपको हायर रैंक पर ले जाना प्रमोशन कहलाता है। वैसे लोग जो ईसाई धर्म का पालन नहीं करते थे उनको वेतन भी कम मिलता था, अंग्रेजों के मुकाबले भारतीयों को वेतन भी कम मिलता था, तो इस तरह से हमारे साथ अपमान किया जाता था। इससे लोगों को यह संदेह होने लगा कि अंग्रेज जो है वह भारतीयों को ईसाई धर्म परिवर्तन करने की योजना बना रहे हैं, यानी कि हमें डर लगने लगा कि अंग्रेज पूरी तरह से हमारे देश को क्या बना देंगे, ईसाई धर्म के देश को बना देंगे। सती प्रथा जैसे कन्या भ्रूण हत्या, यानी कि जो कन्या होती थी उसे गर्भ अवस्था में ही या जन्म लेने के बाद उसे मार दिया जाता था, स्त्री यानी कन्या केवल लड़की की बात की जा रही है, तो ये बहुत खराब व्यवस्था था। सती प्रथा भी एक खराब व्यवस्था था, इन प्रथाओं को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। विधवा पुनर्विवाह, उस समय विधवाओं को बहुत ज्यादा अपमानित किया जाता था, यहाँ तक कि उसे सफेद कपड़ा पहना करके गांव से बाहर रहने के लिए कहा जाता था, उनके चेहरे को देखना अशुभ माना जाता था, किसी भी पूजा पर्व त्यौहार में उसे आना अशुभ माना जाता था, तो ये बहुत खराब व्यवस्था था। इस व्यवस्था में जो विधवा था उनका विवाह नहीं होता था, लेकिन विधवा पुनर्विवाह जो है एक नियम कानून लाया ताकि जो विधवा है वो अकेली नहीं रह सके, उसका फिर से विवाह हो सके। तो ये सारा जो विधवा पुनर्विवाह था उसे वैध बना दिया, पहले ये सारी चीजें अवैध था और इन सबको वैध कानून में स्थापित कर दिया। और इनसे जो था सामाजिक खतरा लोग मानने लगे, इससे लोगों को लगने लगा कि समाज को पूरी तरह से बदल रहा है, समाज में खतरे हो रहे हैं। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चिमी तरीके को हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों को भी अपनाना पड़ा, जिससे लोगों में जो रूढ़िवादिता थी, रूढ़िवादिता का मतलब होता है पुरानी परंपराओं को छोड़कर के सीधे आपको नई परंपरा के ओर लेकर के जाना, तो आप जो पुरानी परंपरा मान रहे थे वो आपकी रूढ़िवादी परंपरा थी, आप उसे छोड़ देना, तो ये उनके लिए चुनौती था। इसलिए लोग बहुत ज़्यादा विरोध भी, जो अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था,
यहाँ तक कि जब रेलवे का विकास हो रहा था, टेलीग्राफ लाया जा रहा था, तो लोगों को लगा कि ये जो रेलवे है और टेलीग्राफ है, ये सारी चीजें हमें बदलने के लिए क्या जा रहा है, और इन सभी चीजों को लोग किसकी दृष्टि से देखते थे, संदेह की दृष्टि से देखते थे, यानी कि उनके अंदर भी इसके प्रति डाउट रहता था। ये सामाजिक कारण था। आप देख सकते हैं समाज में भी लोगों को गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि ये सारा चीज परिवर्तन करेंगे, तो उस समय समाज में जो वर्ग था उनको बहुत ज्यादा दुख होता होगा। और साथ ही साथ सामाजिक कारण और राजनीतिक कारण भी देख लें कि किस प्रकार से जो राजा महाराजा या फिर उस समय सैनिक थे या उस समय मंत्री वगैरह थे, उनको किस तरह से अंदर ही अंदर गुस्सा आ चुका है। अब एक और कारण होगा जिसके चलते भारतीयों में गुस्सा आएगा, और वह है आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान थे और जो जमींदार थे, उनकी भूमि पर भारी भरकम जो है लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से जो थे वह परेशान थे। यानी जो ग्रामीण किसान थे उनसे बहुत ज्यादा कर यानी लगान लिया जाता था, लगान और कर लिया जाता था, जो जमींदार थे उनसे भी, और ये सारे नियम कानून को बहुत ही सख्ती से फॉलो किया जाता था, इसमें किसी भी प्रकार का ढील नहीं दिया जाता था। अधिक संख्या में लोग महाजनों से लिए गए कर्ज को चुकाने में असमर्थ थे। महाजन जानते हैं ये कर्ज देते हैं लोगों को, जिस कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीन जो थी वो हाथों से क्या होने लग रही थी, निकलने लगी थी। क्योंकि आप महाजन को कर्ज नहीं दीजिएगा तो उसके बदले में वो कुछ ना कुछ लेगा, तो उन्होंने जमीन को ही हड़पना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो उनके पास जमीन नहीं रहा, अब जब जमीन नहीं रहा तो संसाधन की कमी होगी, पैसे की कमी होगी, आमदनी भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। बड़ी संख्या में जो सिपाही थे खुद किसान वर्ग से थे, तो सिपाही भी क्या थे, किसान थे, और किसान की जमीन जा रही है, वो अपने परिवार गांव को छोड़कर आए थे, अब उनके उनके परिवार के पास जमीन नहीं है, इसलिए किसानों को जो है गुस्सा जल्द ही आ गया। और जब किसान को गुस्सा आया तो समझ लीजिए किसको गुस्सा आया, सिपाहियों का गुस्सा आ गया, क्योंकि जो किसान थे बहुत सारे सिपाही थे वो क्या थे, किसान थे। तो ये जो किसानों का गुस्सा था वो किस में फैल गया, सिपाही तक पहुंच गया, यानी कि सिपाहियों में फैल गया। और सिपाही जानते हैं गर्म खून के होते हैं। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का प्रवेश भारत में होने लगा, यानी ब्रिटिश में जो वस्तुएं बन रही थी अब वो सारी वस्तुएं भारत में आने लगा, जिससे विशेष रूप से भारत में जो कपड़ा उद्योग था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। भारतीय कपड़े कोई नहीं खरीदने लगे, तो भारतीय कपड़े से जुड़े हुए जो मालिक थे, उसमें व्यापारी थे, उसमें कर्मचारी थे, उसमें काम करने वाले जो मजदूर थे, वह सभी परेशान हो गए। भारतीय हस्तकला उद्योग यानी हाथों से बनने वाली जो वस्तुएं थे, ब्रिटेन के सस्ते मशीन से निर्मित वस्तुओं में प्रतिस्पर्धा करना पड़ा। यानी ब्रिटेन से जो मशीन से बने हुए कपड़े आते थे वो बहुत ज्यादा सस्ते होते थे, और हाथ से बना हुआ कपड़ा थोड़ा महंगा होता था, इसलिए हाथ से बना हुआ वो जो कपड़ा था लोग कम खरीदते थे और मशीन से सस्ते बने हुए कपड़ों को ज्यादा खरीदते थे। तो इससे उनके बीच में कंपटीशन हो गया, और ये आर्थिक कारण था जिसके चलते लोगों में बहुत ज्यादा दुख या तकलीफ आने लगा। तो आप देख सकते हैं आर्थिक कारण भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अब एक इम्पोर्टेंट और सैन्य कारण पर चर्चा करते हैं। सैन्य का मतलब होता है सेना। तो सेना में क्या हुआ था, सेना के विषय में अगर देखा जाए तो 1857 के विद्रोह एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, तो हमको देखना पड़ेगा कि सेना में क्या हुआ था। भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच भारतीय सिपाहियों का प्रतिशत 87 यानी 87% था, यानी कि केवल और केवल आप गिनती करके देखें तो 13% ही कौन है, अंग्रेज है, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से निम्न श्रेणी का माना जाता था। यानी कि ब्रिटिश जो सैनिक है उसकी श्रेणी उच्च होती थी, ए ग्रेड होती थी, और जो भारतीय सैनिक होती थी उसकी कैटेगरी बी ग्रेड होती थी, यानी निम्न कैटेगरी में रखा जाता था, निम्न श्रेणी में रखा जाता था। एक भारतीय सिपाही को उसी रैंक के एक यूरोपीय सिपाही से कम वेतन मिलता था। तो अगर भारतीय सिपाही है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, अगर इनको 1000 रुपये मिल रहा वेतन, तो जो यूरोपीय सिपाही है उसे कितना मिलेगा, 2000 रुपये मिलेगा। तो आप देख सकते हैं सेम काम कर रहा है, रैंक भी सेम है, पद भी वही है, लेकिन इन्हें मिल रहा है 1000 रुपये और जो यूरोप के उन्हें 2000। तो इनसे वेतन भी क्या मिलता था, कम मिलता था। अब जब वेतन कम मिलता है तो लोगों को गुस्सा तो आएगा ही, वही काम करेंगे और वेतन कम मिलेगा। एक और बहुत बड़ी समस्या थी उस समय, जो उसने अपने घरों से दूर क्षेत्र में काम करने की अपेक्षा की जाती थी, जो एक तो इन्हें कम वेतन दिया जा रहा है और साथ ही साथ उन्हें अपने घर से दूर जाना पड़ेगा। एक तो नियम आ गया 1856 में, लॉर्ड कैनिंग ने एक नया कानून जारी किया जिसे कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था जिससे लोगों में और ज्यादा गुस्सा बढ़ गया, क्योंकि जो भारत है उसमें ज्यादातर हिंदू धर्म को फॉलो किया जाता है और उसमें समुद्र को जो है पार करना एक जो है पूरा तरह से पाप माना जाता है।
यानी कि अशुभ माना जाता है, तो समुद्र को पार नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अब उन्हें समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। दूसरा, लोगों के उस समय अंदर डर था, भय था कि जो अगर मान लेते हैं समुद्र के उस पार जाएंगे तो वापस कब आएंगे, नहीं आएंगे, या फिर क्योंकि उस समय बहुत ऐसी व्यवस्थाएं थी जिसमें अंग्रेज जिन लोगों को ले जाता था उन्हें वापस नहीं लाता था, ऐसे ऐसे जो गिरमिटिया मजदूर व्यवस्था था, तो इससे लोगों को डर लगता था, इसलिए समुद्र पार करना भी नहीं चाहते थे। तो लेकिन अब नियम के अनुसार जो भी सेना में आएगा उन्हें समुद्र भी पार जाना पड़ सकता है। तो सेना के अंदर भी क्या आने लगा, गुस्सा, एक तो वेतन कम दिया जा रहा है, काम ज्यादा दूर, और साथ ही साथ अब इन्हें नए नए नियम को फॉलो करना पड़ेगा। इससे लोगों को सेना के अंदर भी गुस्सा आ गया। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे गुस्सा जो है वह जमा हो रहा है, और एक बार जो है ये बूंद बूंद करके घड़ा भरा जा रहा है। अब ये घड़ा जिस दिन फूटेगा तो उस दिन परिणाम क्या होगा, बुरा ही होगा। लॉर्ड कैनिंग, यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग एक नाम आया था, इनके विषय में बता देते हैं। इनका पूरा नाम है चार्ल्स जॉन कैनिंग, और इन्हें हम लॉर्ड कैनिंग कहते हैं। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत का राजनेता और भारत का गवर्नर जनरल था, यानी कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। वर्ष 1858 का भारत का पहला वायसराय बना कौन, यही लॉर्ड कैनिंग। उसके कार्यकाल में हुई महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी घटनाएं हुई, जो निम्नलिखित इस प्रकार से है। 1857 के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने में सक्षम था कि लॉर्ड कैनिंग। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित करना, जिससे भारत में पोर्टोफोलियो प्रणाली की शुरुआत हो गई। अगला, व्यापगत के सिद्धांत जो डलहौजी की शुरुआत किया था उसे वापस लेना, और 1858 के विद्रोह का जो मुख्य कारण था यही व्यापगत सिद्धांत एक मुख्य कारण में भी एक था। और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में क्या करना, परिचय करना, अब जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता का परिचय देना, यानी ये नियम कानून लाया गया। भारत में उच्च न्यायालय भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम का अधिनियमन करना, यानी इसे लागू करना, और भारतीय दंड संहिता को भी लाना 1858 में। तो ये सारी चीजें किनके काल में आया था, लॉर्ड कैनिंग के काल में आया था। अब आते हैं मेन कारण में, जिसे तत्कालिक कारण या तत्कालीन कारण के नाम से जाना जाता है। 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण थे सैनिक, तो सैनिक सबसे तत्कालिक कारण में थे। देखिए उस समय एक अफवाह यह फैल गई कि जो एनफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है, तो ये अफवाह नहीं फैल गया था, ऐसा माना जाता था कि सच में उसमें इसका प्रयोग किया जाता था, और ये पूरी तरह से सब में फैल गया। पहले क्षेत्र में फैला, फिर सैनिकों में फैल गया। सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था, और जो हिंदू धर्म के लोग हो या मुस्लिम धर्म के, दोनों सिपाहियों ने उनका इस्तेमाल करते थे, या दोनों सिपाहियों को इसका इस्तेमाल करना पड़ता था। और दोनों ही धर्म में जो है गाय और सुअर को क्या माना जाता था, अशुद्ध माना जाता था, अशुभ माना जाता है, और अब इनके चर्बी को मुंह से लगाना पड़ना, तो एक तरह से घोर पाप इनसे करवाया जा रहा है, इसलिए लोग क्या होने लगे, गुस्सा होने लगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो आपको राइफल दिख रहा है, इससे यही राइफल का वहां पर बात किया गया, जिसे एनफील्ड राइफल कहा जाता है, जिसकी ये जो लंबाई होती है, ये जो नल है, नली कहते हैं इसे, इसकी लंबाई क्या होती है, अधिक होती है। ये जो आपको कागज में फोल्ड किया हुआ दिख रहा है, ये कारतूस है, और इसके अंदर ही सुअर या चर्बी का लेप लगाया जाता था। उस समय जो लोहे होते थे वो उतने बेहतर किस्म के नहीं होते थे, इसलिए उसमें जो जंग लगने की संभावना अधिक थी, और जंग लगने से क्या होता है, गोली जो फायर करने के बाद वो कभी बैकवर्ड भी आ सकता है, यह उसमें और भी परेशानियां हो सकती है, इसलिए उससे बचने के लिए, ताकि ये फ्री रहे और साथ ही साथ इसमें जंग नहीं लगे, इसके लिए इसमें चर्बी का लेप लगा दिया जाता था, तो तेल वगैरह या तो चर्बी का लेप लगा दिया जाता है, तो उन्हीं को इस तरह से मुंह से क्या करना पड़ता है, खींचना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इनसे खींचेंगे कारतूस को, मुंह से अलग करेंगे कागज को, ऊपरी भाग को, फिर उसको डालेंगे इसमें, और इस तरह से क्या होगा, ये तैयार हो जाएगा, फिर गोली को चलाया जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, फोटो से समझ सकते हैं कि कैसे इनको तैयार किया जाता होगा, और किस प्रकार से गोलियां चलाती होगी, और किस प्रकार से उन्हें मुंह से खींचना पड़ता था। और इन्हीं सबके विद्रोह विरोध के लिए जो था, जो सैनिक विद्रोह, जिसे तत्कालीन कारण माना गया, इसमें जो सबसे अहम भूमिका निभाए थे उनका नाम था मंगल पांडे, जिन्हें बागी मंगल पांडे भी कहते हैं। तो आइए इनके विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 19 जुलाई 1827 को मंगल पांडे जी का जन्म होता है। मंगल पांडे जी का जन्म होता है उत्तर प्रदेश में, जो महान स्वतंत्रता सेनानी बने, और उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है बलिया, तो बलिया में इनका जन्म होता है। 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में वह शामिल होते हैं। 1856 में सेना में ग्रीस कारतूस का इस्तेमाल शुरू हुआ, पहले ग्रीस कारतूस का इस्तेमाल जो है शुरू हुआ। आगे फरवरी 1857 में कारतूस में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल
जो है होने लगा, इससे लोगों में रोष आ गया। रोष का मतलब हुआ गुस्सा आने लगा। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दिया और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को बैरकपुर परेड ग्राउंड में फांसी पर लटका दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? तो मैंने आपको पहले ही बैरकपुर जो है दिखा दिया थे, जो कलकत्ता के करीब है, उत्तर प्रदेश में, माफ कीजिए, पश्चिम बंगाल में मौजूद है, जिसकी राजधानी कलकत्ता है। तो बैरकपुर में ही क्यों फांसी दी गई? देखिए, बैरकपुर जो छावनी था, तो यहाँ पर ही इनका जो है सैन्य टुकड़ी वहां पर ही कार्य करते थे। तो वहां का जो अफसर था, इनके जो सैन्य टुकड़ी का जो अफसर था, इसका नाम था लेफ्टिनेंट बाघ। तो इन्होंने क्या किया था, लेफ्टिनेंट बाघ को ही गोली मार के हत्या कर दिया था, लेफ्टिनेंट बाघ। तो इन्होंने विरोध करते करते क्या किया था, बोला कि हम जो है सुअर की चर्बी का इस्तेमाल जो है इस बंदूक की गोली में किया जाता है, हम इसका यूज नहीं करेंगे। और इसके विरोध में इन्होंने क्या किया, वहां पर ही सभी के सामने जो है इन्होंने बोला कि अब हम जब सुअर की चर्बी वाला गोली छू ही लिए, तो अब इन्होंने फिर वहां पर एक चर्बी वाला गोली उठाया और उन्होंने एक बंदूक में डाला और उन एनफील्ड राइफल में डाला और राइफल से वहां पर लेफ्टिनेंट बाघ जो था इनका क्या कर दिया, हत्या कर दिया, गोली मार दिया। और इसी के विरोध में, यानी कि चूंकि गोली मार दिया तो एक बहुत बड़ा गुनाह है, और इसीलिए उनको क्या कर दिया था, फांसी दे दिया था, वहीं पर बैरकपुर परेड ग्राउंड में फांसी पर लटका दिया गया था। तो इस प्रकार से मंगल पांडे जो है देश की आजादी के लिए शहीद हो जाते हैं। अब आइए विद्रोह के केंद्र के विषय में जानते हैं कि विद्रोह कहाँ कहाँ पर प्रमुख तरीके से हुए थे। देखिए, विद्रोह तो बैरकपुर से शुरू हुआ था, लेकिन इसे आगे बहुत दूर तक फैलाया गया। ऐसा योजना बनाया गया था कि जो पूरी तरह से विद्रोह जो है वह कब किया जाएगा, 30 मई को किया जाएगा, 30 मई 1857 को विद्रोह शुरू किया जाएगा पूरी तरह से, सभी को मिलकर के योजना बनाएंगे। लेकिन लोगों ने उत्सुकता में आकर के 10 मई को ही विद्रोह शुरू कर दिया था, 10 मई 1857 को। ये एक मेन कारण माना जाता है जिसके चलते जो है फेल रहा, क्योंकि 10 मई तक उनके पास कोई व्यवस्था नहीं था। 30 मई आप समझ सकते हैं, 10 दिन का गैप नहीं बल्कि 20 दिन का अंतर है, 20 दिन पहले तैयारी बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं हो पाया था। तो विद्रोह अलग अलग जगह पर देखा गया, विद्रोह पटना से लेकर के राजस्थान की सीमाओं तक फैला हुआ था। विद्रोह के मुख्य केंद्र में कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और बिहार के आरा जिला शामिल थे। आगे आपको मैप में अगर दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरठ है, दिल्ली है, ग्वालियर, झांसी, कानपुर, बरेली, लखनऊ, पटना का जो आरा जिला है, और बैरकपुर छावनी कहाँ पर है, कोलकाता में मौजूद है। अगर बात करें एक एक करके, तो सबसे पहले लखनऊ की बात करते हैं। लखनऊ यह अवध की राजधानी थी, उसमें अवध क्षेत्र आता था, और अवध के पूर्व राजा की बेगमों में से एक बेगम जिनका नाम था हजरत महल, उन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था। और तो सिंपल सवाल आ गया कि जो 1857 का विद्रोह हुआ वहां पर लखनऊ में किन्होंने जो है इसको कमान संभाला था, तो हजरत महल। अगला सवाल है कानपुर वाला। कानपुर के क्षेत्र में अगर बात करें तो कानपुर विद्रोह का नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने इनका क्या किया था, विरोध किया था। अब यहाँ पर दत्तक पुत्र आ गया, तो जैसे नियम के अनुसार दत्तक पुत्र को क्या किया जाएगा, राजा नहीं बनाया जाएगा, तो इनके विरोध में इनके अंदर भी गुस्सा आ गया था। झांसी, झांसी में बता चुके थे, तो झांसी में 22 वर्षीय रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया, क्योंकि उनके पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठाने से इनकार कर दिया था। तो लखनऊ, कानपुर, झांसी, इसके अलावा अगले क्षेत्र की बात करें तो ग्वालियर में भी इसका विद्रोह बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर तक मार्च किया और उस पर कब्जा कर लिया। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का क्या किया, नेतृत्व किया, पूरी तरह से विद्रोहियों को भगाया। नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर के ये सब उन्होंने काम किया था। और कहां तक गए थे, ग्वालियर तक गए थे। वह ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ मजबूती से लड़ी, लेकिन अंततः अंग्रेजों से वो क्या हो गए थे, हार गए थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जो घोड़ा है रानी लक्ष्मीबाई का, वह गिर गया था नाली में, और इसीलिए वो क्या हुए थे, चूंकि घोड़ा बहुत भागा था और वो थक गया था, और इसीलिए वो हार गए और ग्वालियर पर अंग्रेजों का कब्जा कर लिया गया। बिहार की बात करें तो विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह, यानी कुंवर सिंह ने किया, जो जगदीशपुर बिहार के एक शाही घराने से थे। तो वीर कुंवर सिंह का नाम आया, आइए वीर कुंवर सिंह के विषय में 10 बातें जान लेते हैं। वीर कुंवर सिंह का जन्म बिहार में 1977 में हुआ। वह सन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता के
सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी थी 1857 के युद्ध में, वे अन्याय सहन नहीं कर पाते थे, इसलिए वो स्वतंत्रता से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, स्वतंत्रता प्रेमी थे। वे एक कुशल नायक थे, नायक हीरो होता है। उन्होंने 80 वर्ष की आयु में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी और विजय प्राप्त किए। वे एक राजपूत थे और राजपूतों की उज्जैन शाखा से थे, जो उज्जैन क्षेत्र आता है उन्हीं शाखा में से वे एक थे। उन्होंने 1857 के संग्राम में सेनापति मेकू सिंह व अन्य भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया। उन्होंने भोजपुर के आरा नगर पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों ने भोजपुर हथियाने की लाख कोशिश की, किंतु भोजपुर लंबे समय तक स्वतंत्र रहा। वीर कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 को अंतिम लड़ाई लड़ी और यह लड़ाई जगदीशपुर के पास लड़ी गई थी और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को भगा दिया। बुरी तरह से घायल होने के बाद भी वह अंग्रेजों का यूनियन जैक का झंडा उतार फेंका। अंग्रेजों का जो यूनियन जैक है, जैसे कि हमारे भारत में तिरंगा है, तो वैसे अंग्रेजों का जो झंडा उसे यूनियन जैक कहा जाता है। 26 अप्रैल 1858 को वह वीर गति को प्राप्त हो गए, यानी कि देश को आजादी दिलाते दिलाते वह शहीद हो गए। तो ये थे वीर कुंवर सिंह की कहानी। एक बात कहा जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि वीर कुंवर सिंह एक बार नाव में बैठे थे और उनको गोली मार दिया गया, हाथ में गोली लग गया था, तो उन्होंने अपने ही तलवार से अपने ही हाथ को क्या कर दिया था, काट दिया था। तो ये बहुत ही दर्दनाक जो है होता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जल्दी, जो वीर बहुत होते हैं वही ऐसा कर पाते हैं। अब अंग्रेजों ने दमन करना शुरू कर दिया, चूंकि दमन बहुत ज्यादा जरूरी था अंग्रेजों को लगने लगा, और उन्होंने विद्रोह को पूरी तरह से कुचलना शुरू कर दिया। 1857 का विद्रोह एक वर्ष से अधिक समय तक चला और 1858 के मध्य यानी कि बीच तक दबा दिया गया था। मेरठ में विद्रोह भड़कने के 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा कर दी गई। तो कब शुरू हुआ था, 1857 को शुरू हुआ था और 14 महीने के बाद यानी 8 जुलाई 1858 को पूरी तरह से शांति कायम कर दिया गया। कौन कहां पर लड़ रहा था, देखिए विद्रोह के स्थान दिल्ली। दिल्ली में भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह द्वितीय, और उधर से अंग्रेज जो लड़ रहे थे उनका नेतृत्व कर रहे थे जॉन निकोलसन। तो दिल्ली में जॉन निकोलसन ने विद्रोह को दबा दिया। लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल, और यहाँ पर जो ब्रिटिश थे उनका नाम था हेनरी लॉरेंस, तो हेनरी लॉरेंस ने लखनऊ के जो विद्रोह है उसे दबा दिया। कानपुर की बात करें तो नाना साहब यहाँ पर थे, और जो अंग्रेज थे वो था सर कॉलिन कैंपबेल। तो इन्होंने क्या किया, इस जो विद्रोह था कानपुर का विद्रोह दबा दिया। झांसी की बात करें और ग्वालियर, तो यहाँ पर दोनों ही जगह पर रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपेट थे, और इस तरफ अंग्रेज जो थे वो था जनरल ह्यूग रोज। बरेली की बात करें तो बरेली में खान बहादुर खान थे, और इनका अंग्रेजों से विद्रोह हुआ, अंग्रेज का नाम था सर कॉलिन कैंपबेल। तो दोन यहाँ पर भी था सर कैंपबेल, ये वाला कानपुर में। इलाहाबाद और बनारस जो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में, मौलवी लियाकत अली और जो विद्रोह को दबाने वाले थे कर्नल ऑन सेल। बिहार की बात करें तो कुंवर सिंह जैसा कि बता चुके हैं, और अंग्रेज कौन थे इस समय, विलियम टेलर उधर से अंग्रेज थे। अब विद्रोह तो हो गया, विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया गया, लेकिन क्या कारण था विद्रोह की असफलता का कारण। पहला कारण तो मैंने बता दिया कि जल्दी जल्दी से शुरू कर दिया गया था। सबसे पहला है सीमित प्रभाव। हालांकि विद्रोह काफी व्यापक था, लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा इससे अप्रभावित था। बहुत बड़े क्षेत्र में विद्रोह मुख्य रूप से दोआब क्षेत्र तक सीमित था। दोआब कहाँ पर है, जो कह सकते हैं गंगा नदी है और यमुना नदी, उन दोनों के बीच के क्षेत्र को हम दोआब कहते हैं, और जो सिंध नदी था पंजाब वगैरह उन क्षेत्रों में भी था, जैसे कि सिंध हो गया, राजपुताना हो गया, कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, इन अधिकांश क्षेत्रों में ये सिंधु नदी के दोआब क्षेत्र में आता है। बड़ी रियासत हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, कश्मीर, राजपुताना लोग भी विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। तो ये बड़े बड़े क्षेत्र थे जो शामिल नहीं हुए थे। दक्षिण प्रांत में प्रांत इतने भी इसमें भाग नहीं लिया था। तो जो भारत हमारा उसका दो प्रांत है, एक होगा उत्तर प्रांत ऊपर वाला, और जो नीचे वाला होगा उसका दक्षिण प्रांत कहेंगे। तो दक्षिण प्रांत में वर्तमान में जो क्षेत्र आएंगे, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, ये सारे क्षेत्र आ जाएंगे। अब आता है कि प्रभावी नेतृत्व नहीं, नेतृत्व करना मतलब उसमें जो लीडर था, लीडरशिप नहीं मिल रहा था। विद्रोहियों में एक प्रभावी नेता का अभाव था। हालांकि नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई आदि बहादुर नेता थे, लेकिन वो समग्र रूप से आंदोलन को प्रभावी नेतृत्व प्रदान नहीं कर पाए। वे शहीद हो गए और इन्हीं के लिए वो वीरगति तो प्राप्त हो गए, लेकिन उनके बाद क्या होगा, उनके बाद उनका नेतृत्व कौन करेगा। तो नेतृत्व नहीं मिलने के कारण भी ये चीज संभव नहीं हो पाया। सीमित संसाधन,
सत्ताधारी होने के कारण जो रेल, डाक, तार, परिवहन इन सब तथा संचार एवं अन्य सभी साधनों पर अंग्रेज का दिन थे, यानी इन सब पर अंग्रेज का नियंत्रण था, इसलिए जब उनको पता चलता था तो इन सब का कनेक्शन तोड़ देते थे। इसलिए विद्रोहियों के पास हथियारों और धन की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। ये भी चीज था सीमित संसाधन में। और उस समय ऐसा कहा जाता है कि जो जब रेल, डाक ये सारी चीजें बाधा डालने लगा, तो प्रचार यानी जो कह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना को पहुंचाने के लिए रोटी और कमल के फूल का जो है प्रयोग किया गया था। मध्य वर्ग की भागीदारी नहीं थी, मध्य वर्ग जो था वो पूरी तरह से अलग था। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्य वर्ग जो शिक्षा प्राप्त कर चुका है, बंगाल के अमीर व्यापारी जो जमींदार थे विद्रोह को दबाने में अंग्रेज की मदद कर रहे थे, उल्टा ही ये कर रहे थे, ये लोग अंग्रेज का मदद कर रहे थे, क्योंकि इन लोगों को लालच था कि कहीं ना कहीं हमें लाभ मिलेगा अंग्रेजों से, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। और इन सभी कारणों से जो विद्रोह था वो पूरी तरह से असफल रहा और विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया और भारत को आजादी दिलाने का ये पहला जो विद्रोह था वह पूरी तरह से असफल रहा। विद्रोह के बाद क्या हुआ, इसे हम विद्रोह का परिणाम कहते हैं। विद्रोह के बाद कंपनी का शासन का अंत हो गया। क्या 1857 का महान विद्रोह आधुनिक भारतीयों के इतिहासकार में एक ऐतिहासिक घटना था और यह विद्रोह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसको खत्म कर दिया, उसका अंत हो गया और अब सीधे ब्रिटिश राज्य स्थापित हो गया। तो दोनों में बहुत अंतर है, इसको समझिए। पहले कंपनी शासन कर रही थी, यानी कि वहां पर जो इंग्लैंड है उसका महारानी कुछ नहीं कर रहा है, उसी का देश एक छोटा सा कंपनी है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर क्या कर रही है, कब्जा कर रही है, और उसके बदले में इंग्लैंड को क्या दे रहा है, वो जो भी चीजें मुहैया कराना था वो उसे मुहैया करा रही है। लेकिन अब बीच में से ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया और अब इंग्लैंड सीधा जो है भारत पर शासन कर लिया, इसे कहते हैं ब्रिटिश राज्य का प्रत्यक्ष शासन। पहले जो तरीका था वो अप्रत्यक्ष था, सीधे नहीं था, और अब हो गया प्रत्यक्ष शासन। ब्रिटिश राज ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथ में ले ली। इसकी घोषणा पहले वायसराय यानी कि पहले जो पद था उसे गवर्नर जनरल कहा जाता था, लेकिन अब जो पद आ गया उसे वायसराय कहा गया और लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद में की गई थी। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में किए थे, यानी कि पहला जो वायसराय बना था वो लॉर्ड कैनिंग बने थे, और कहाँ पर, इलाहाबाद से। भारतीय प्रशासन की महारानी विक्टोरिया ने, भारतीय प्रशासन माने कि भारत का जो प्रशासन है, महारानी विक्टोरिया ने अपने अधिकार में ले लिया, जिसका प्रभाव ब्रिटिश संसद पर था, यानी ब्रिटिश संसद में जो नियम कानून बनेगा वो नियम कानून यहाँ पर लागू होगा। भारत का कार्यकाल देश के शासन प्रशासन को संभालने के लिए बनाया गया था, और जो कार्यकाल था, जो भी समय टाइम पीरियड था 5 साल 6 साल, उसे वहां से शासन करने के लिए बनाया गया था। अगला जो कारण है वह धार्मिक सहिष्णुता। अंग्रेजों ने यह दावा किया वो भारत के लोगों को धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाज और परंपरा का सम्मान करेंगे, तो लोगों ने जो अंग्रेज था वो कहने लगे कि अब आपके धर्म को मानेंगे, आपके रीति रिवाज को हम बिल्कुल नहीं बदलेंगे, उनका क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। भारतीय शासकों के अधिकारों को मान्यता दी गई थी, तो भारतीय शासकों, भारत के जो शासक थे उनके अधिकार को मान्यता नहीं दी जा रही थी, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपको कहानी में बताए होंगे कि दत्तक पुत्र जो है वो राजा नहीं बन सकता है, तो इनको भी मान्यता दे दिया गया। और जो व्यापगत सिद्धांत था जिसे हड़प नीति कहते थे, इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और अपनी रियासतों को दत्तक पुत्र सौंपने की छूट दे देगी, यानी कि अब आप दत्तक पुत्र को अपना रियासत दे सकते हैं। तो चूंकि उन्होंने एक तरह से कहा जाता सुलह कर लिया, उन्होंने अपनी ओर से सफेद झंडा दिखा दिया। इन सभी कारणों से विद्रोह के परिणाम जो है निकलने लगे, ये सारे विद्रोह के परिणाम निकले। विद्रोह के बाद ये सारे चीजें बदलाव किए गए। सैन्य पुनर्गठन यानी सेना का फिर से निर्माण किया गया। सेना में भारतीय सिपाहियों के अनुपात कम कर दिया गया, यानी कि भारत का जो सिपाही उसे कम करके अंग्रेज या यूरोप की सिपाहियों का संख्या क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। लेकिन शास्त्रगर ब्रिटिश शासन के हाथ में रहा। शास्त्रागार का मतलब होता है जो बंदूक वगैरह इसे अस्त्र शस्त्र वाला जो शासन व्यवस्था था वो केवल और केवल अंग्रेजों के हाथ में रहेगा, क्योंकि शस्त्र जो है किसके हाथ में, भारतीयों के हाथ में रख जाएगा तो वो विरोध करेंगे, इसलिए ऐसा किया गया। और बंगाल की सेना के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए यह योजना बनाई गई थी। तो इस तरह से सैन्य पुनर्गठन किया गया और पूरा विद्रोह खत्म हो गया। अब आता है निष्कर्ष, क्या निष्कर्ष निकला इस पूरे विद्रोह से। 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी और इस कारण भारतीय समाज में कई वर्ग एकजुट हुए, यानी कि लोगों में अब एकता आने लगा।
हालांकि विद्रोह वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा, यानी कि जो लक्ष्य रखा गया था देश को आजादी दिलाने का, वह तो उसमें सफल नहीं हुए, लेकिन भारत में एक नई जो है बीज बो दिया गया और उसे कहते हैं राष्ट्रवाद का बीज। और राष्ट्रवादी भावना जब हमारे देश में आया तो राष्ट्रवादी जो है एक राष्ट्रवाद का काल चला और भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो गया और इस तरह से भारत में हमें आजादी मिल गई। अब यहाँ पर 1857 की कहानी खत्म। अब 1857 पर लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण किताब, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखा गया किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर लिखा है पूरन चंद जोशी द्वारा लिखा गया रीबेलियन 1857 ए सिंपोइज्म, 1857 ए सिंपोइज्म, जॉर्ज ब्रूस मेलेसन द्वारा द इंडियन म्यूनिटी ऑफ 1857 और क्रिस्टोफर हिबर्ट द्वारा ग्रेट म्यूनिटी और इबाल हुसैन द्वारा रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल ऑफ 1857 1857 इंग्लिश में बोल सकते हैं। खान मोहम्मद सादिक खान द्वारा लिखा गया है एक्सवेजन ऑफ ट्रुथ अनसुंग हीरोज, तो इनको अनसुंग हीरोज ऑफ 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये कुछ किताबें हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, और ये पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और जैसे ही इसका PDF तैयार हो जाता है मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, या तो हम कमेंट में क्या करेंगे इसका जो PDF है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो PDF के लिए भी आप इस कमेंट में देख सकते हैं, वहां पर आपको पहला कमेंट का पिन मिल जाएगा अगर तैयार हो गया होगा। तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।